चंबा जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी द्वारा बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल व रसोई गैस की कीमतों व पैक्ड अनाज दही शहद आटा को जीएसटी के दायरे में लाने व अग्निपथ योजना को आनन फानन में लागू किए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नीरज नैयर व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करतार सिंह ठाकुर की अगुवाई में विभिन्न फ्रंटियर संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भेजे गए ऑब्जर्वर गौरव भाविशकर ने भी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीरज नैयर ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार में पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में आंशिक वृद्धि होती थी तो विपक्ष में बैठी भाजपा सड़कों पर उतरकर खूब हो हल्ला बोलती थी, लेकिन अब जब पिछले 8 सालों से जनता का आर्थिक शोषण हो रहा है तो भाजपा सरकार कहां सोई है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का झंडा तिरंगा, नहीं चलेगा दो रंगा, बोलो भारत माता की जय। आज पूरे देश में, प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर जो है कांग्रेस जो है एक धरना प्रदर्शन जो है करने जा रही है, और आप लोग भली भांति जो है इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि आजकल पूरे देश की राजनीति के अंदर क्या चल रहा है। आज का हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है इसके 4 या 5 मुख्य बिंदु हैं। एक तो ये है कि पूरे देश के अंदर जो बेरोजगारी है वो अपने उच्चतम स्तर पर है, और तकरीबन पूरे देश के अंदर आप अगर आंकड़े पूरे देश के अंदर लो तो जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को जो है रोजगार देने के लिए उन्होंने वादा किया था, और जब भाजपा की जब यूपीए की सरकार थी उस टाइम में जो है ये भाजपा वाले जो हैं ये हमेशा एक मुद्दा उठा के रखते थे, और प्याज, सब्जी, दाल और गैस के सिलेंडर इनके ऊपर जो है जगह जगह जाके ये धरने प्रदर्शन करते थे और बोलते थे कि कांग्रेस सरकार ने जो है चूड़ियां पहन रखी हैं, और तरह तरह के तरीके इनकी जो महिला विंग है वो हर जगह जाके जो है बहुत अपना रोष जो है प्रकट करती थी। तो आज इस धरने प्रदर्शन से जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदुस्तान की जनता को एक संकेत देना चाहती है कि इनकी कथनी और इनकी करनी में एक बहुत बड़ा जो है अंतर है। आज का धरना प्रदर्शन बेरोजगारी, हम जहां भी, मैं अगर चंबा डिस्ट्रिक्ट की ही बात करूं तो तकरीबन इतने युवा हैं जो बेरोजगार है कि पूछो मत, और हर जना, और वो बहुत बड़ी नौकरियां नहीं चाहते हैं, 10-12 हजार, 15 हजार की आउटसोर्स की नौकरियां भी अगर उनको मिल जाए तो उससे भी वो खुश हैं। लेकिन इस सरकार ने किसी को नौकरी तो क्या देनी, जिनकी नौकरियां थी उनकी नौकरियां भी जो हैं वो छीन ली गई हैं, नई नौकरियां देने की तो बात की है, जो लगे हुए थे उनको भी ये बाहर निकाल रहे हैं। और अब मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, जैसे इलेक्शनें सामने आ रही हैं तो कोई आईपीएस डिपार्टमेंट के अंदर और कुछ अन्य डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर 3500 और 4000 रुपये के अंदर जो लोगों को जो है रखा जा रहा है, और भाई भतीजावाद जो है किया जा रहा है, और उनको एक तरीके से जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनको जो है एक धोखा दिया जा रहा है, और उनको अपने ही एमएलए हेड से जो है पैसे वो देते हैं किसी ठेकेदार को, और उससे आगे 3500-4000 रुपये जो है उनको जो है टेम्परेरी जो है पंचायतों के अंदर रखा गया है। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं अपने सारे यंग यूथ को बोलूँगा कि ये कोई पक्की नौकरियाँ नहीं है, ये टेम्परेरी नौकरियाँ हैं, जैसी ही सरकार चेंज होगी तो ये जो नौकरियाँ हैं वो भी इनसे जो है छिन जाएंगी। तो इस जो है वो जो ये प्रलोभन दे रहे हैं इस प्रलोभन के अंदर ना आए और कांग्रेस पार्टी का साथ दें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमारे उच्चतम लेवल के जो लीडर्स हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में हिमाचल प्रदेश के अंदर आएगी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तर्ज में जो है ओपीएस जो है उसको जो है इमीडिएटली फर्स्ट कैबिनेट के अंदर जो है
उसको बहाल किया जाएगा और तकरीबन 2 लाख से लेकर 5 लाख युवाओं को जो है नौकरियां जो हैं दी जाएंगी और आउटसोर्स के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी जो है जब सत्ता में आएगी इसके ऊपर भी एक पॉलिसी जो है कांग्रेस पार्टी जो है बनाएगी ताकि हमारे युवाओं का जो शोषण है ये ना हो। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, आज का जो ये धरना प्रदर्शन है देशव्यापी जो है इसके अंदर जो है हमारे जो आटा दाल घी इसके ऊपर जो 5% जो GST लगाया गया है इसके विरुद्ध भी जो है हम लोगों के बीच ये मुद्दा ले आना चाहते हैं कि भाजपा सरकार जो है अपनी जो गलतियां हैं जो इनकी कुनीतियां हैं जिसकी वजह से देश की इकोनॉमी में जो है एक डिप आ रहा है 5% GST जो लगा के खाद्य पदार्थों पर जो है ये सरकारी कोष का जो है पैसा जो है वो पूरा करना चाहते हैं। पहले 1000 रुपए तक जो कमरे थे उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था, उनको छूट होती थी क्योंकि हिमाचल प्रदेश हमारा एक टूरिज्म स्टेट है, तो अब 1000 रुपए के कमरे के नीचे वाले जो कमरे हैं उसके अंदर भी जो इन्होंने है GST लगा दिया है। तो मेरा बोलने का मतलब है गैस के सिलेंडर के आप रेट देखो कहाँ पहुँच रहे हैं, आप डिपुओं के अंदर तेल दालों के रेट देखो कहाँ जाके पहुँच रहे हैं। तो मेरा हमारा आज का जो केंद्र बिंदु यही है कि जो भाजपा सरकार है वो झूठ बोलती है और जुमलेबाजों की सरकार है और धरातल पर जो है कुछ भी नहीं हुआ है और ये जो धरने प्रदर्शन है आए दिन अब चलते रहेंगे। और हाल ही में आपने एक और चीज देखी होगी कैसे CBI ED इनका दुरुपयोग किया जा रहा है ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को डराने के लिए धमकाने के लिए। आए दिन जो है सोनिया गांधी जी को ED डिपार्टमेंट जो है वो बुला लेता है। सोनिया गांधी जी जो है वो एक ऐसे परिवार से संबंध रखती हैं जिन्होंने देश के लिए जो है शहादत दी है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम किसी इंक्वायरी से डरते हैं, लेकिन बार बार जो है उनकी 75 साल की उनकी एज है और उनको बार बार जो है सवेरे से लेकर शाम तक ED में, और वही जो सवाल है हमको, हम हमारे जो लीडर्स हैं वो बिल्कुल किसी तरीके की इंक्वायरी से नहीं डरते हैं, लेकिन जानबूझ के जो एक कैरेक्टर असैसिनेशन की जो राजनीति चल रही है, एक जो चरित्र हनन की जो राजनीति भाजपा कर रही है, हम लोगों के बीच ले आना चाहते हैं। इससे पूर्व भी जब राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो बोफोर्स के अंदर हमारी जो सरकार है बोफोर्स के मुद्दे के अंदर चली गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आज भाजपा को इतने साल हो गए सत्ता के अंदर आए हुए, इनका 7वां 8वां साल लगा है, क्या हुआ बोफोर्स के अंदर, क्या निकला? जब इन्होंने पिछली इलेक्शन लड़ी तो ये बोलते रहे कि हम काला धन जो है विदेशों से जो है लेके जाएंगे और कांग्रेस के लीडर्स के जो खातों में जो है काला धन के भार पड़ा हुआ है, क्या हुआ आज तक? कुछ भी नहीं निकला, 7 साल हो गए। तो ये लोगों को बरगलाने के लिए और चरित्र हनन की जो राजनीति है उसके अंदर ये चले हुए हैं। इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी जो है हर स्टेट के अंदर जो सारे हमारे विंग्स हैं वो आज जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप हमारे मीडिया के साथी हैं, हमारे बंधु हैं, आपके जरिए हम एक मैसेज जो है पूरी जनता को आपके थ्रू देना चाहते हैं कि जो है इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है और आने वाले समय के अंदर जो 2022 के अंदर जो है अपने हिमाचल के अंदर जो विधानसभा चुनाव हैं और गुजरात के अंदर भी जो चुनाव हैं इसके अंदर जो है कांग्रेस जो है भारी मतों से जो है वो जीत हासिल करेगी, क्योंकि जनता को काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है, लोग समझ चुके हैं। लोगों को आप एक बार बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, लेकिन बार बार जो ऐसा करना है वो संभव नहीं है। और अभी पिछले जो 3 विधानसभा चुनाव हुए और 1 मेंबर पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ उसके नतीजे जो हैं आपने देखे ही हैं हिमाचल के, तो मेरे को ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आने वाले इस वर्ष के अंदर जो नवंबर के अंदर जो चुनाव होंगे उसके अंदर जो है गुजरात और हिमाचल में जो है कांग्रेस जो है सत्ता वापसी करेगी और जो है आपके बीच हम हर महीने जो है जो भी हमारे पार्टी के कार्यक्रम होंगे, अभी 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारी एक पद यात्रा है जो ब्लॉक लेवल के अंदर चलेंगी और इसके ज़रिए जो है हम लोगों को जो है अवगत कराएंगे कांग्रेस की नीतियों के कांग्रेस की नीतियां क्या हैं और ये जो कार्यक्रम है निरंतर जो हैं ये हमारे चलते रहेंगे।